जो पूरे दुनिया के वो प्रोडक्ट्स देती हैं, उन्होंने इंडियन लोगों को अपने टॉप ऑफ द अफेयर्स में रखा। व्हाई इज दैट? सो वी नीड टू रियलाइज दैट वी ट्रूली आर स्पेशल। वी हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू एक्सपैंड इवन मोर, और वो सारा स्कोप हमारी इस जनरेशन में है। आई थिंक विद अ स्पिरिट ऑफ पॉजिटिविटी अगर हम काम करें और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आगे बढ़े, सो अ लॉट कैन बी अचीव्ड। विदाउट टेकिंग मच टाइम, आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, ऑल द ऑर्गेनाइजर्स फॉर शोकेसिंग दिस। एंड एज वी डिस्कस, अ लॉट ऑफ दिस शोकेसिंग कैन बी डन इन द गवर्नमेंट ऑडिटोरियम्स एंड बिल्डिंग्स व्हिच आर लाइंग करेंटली अनयूज्ड, और उससे लोग जो आएंगे, विजिटर्स आएंगे, उनको देखने का मौका मिलेगा, इंफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म होगा। आपने आज मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। रिकॉग्निशन वर्ड्स फॉर आवर डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री। यहाँ आए जॉइंट डायरेक्टर साहब और डीसी साहब, हमारे यहाँ जितने स्पीकर से भी जिन्हें यहाँ पे बोला, एक अप्रिसिएशन के लिए एक मोमेंटो पेश करे। इसके बाद हॉर्टिकल्चर जारी रहेगा। मैं वर्दी और ज्वाइंट डायरेक्टर आज सर, जो ये प्रोग्राम आज था तो किसके रिलेटेड था ये, और क्या आज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने आजादी का अमृत महोत्सव पे एक फोटो एग्जीबिशन इधर किया है। यहाँ पे यंग स्टूडेंट्स जो हैं, यहाँ पे आके हमारे कल्चर को, हमारी हिस्ट्री को अप्रिशिएट करें, और उनको इसके बारे में जानकारी हो, और आगे जाके कैसे वो कंट्री के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको लेके आज मिनिस्ट्री ने एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम किया है। इसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ। और इसमें हमारे कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं, जिसमें जो लोकल हमारा ट्रेडिशन है, लोकल फोक है, उसके बारे में भी बच्चों को जानने का मौका मिलेगा।